हरियाणा न्यूज, मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। खौफ में पुलिस नहीं लिखी टक्कर मारने वाले के खिलाफ रिपोर्ट। नाबालिग की हालत गंभीर, सिर पर आई कई चोटें। कल रात एक फॉर्चुनर गाड़ी ने अपने घर जा रहे मोटरसाइकिल सवार एक नाबालिग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बालक के सिर पर कई चोट भी आई। आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति बाल्दी समुदाय का बताया जा रहा है और जिसने टक्कर मारी वो एक दबंग व्यक्ति है जिसकी पुलिस में बड़ी मार पकड़ भी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि किसी भी मामले में अगर पुलिस से मध्यस्थता करवानी हो तो यही व्यक्ति करवाता है। खैर, मामला अगर किसी गरीब का होता है तो पुलिस बड़ी जल्दी गाड़ी वाले को पकड़कर ले आती है। उक्त बालक के घर वालों पर मामला खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती तो कुछ इनामी भी पुलिस पकड़ सकती थी। इस मामले में आजकल मीडिया भी छाया हुआ है। क्या नाम है आपका? अजय भाई। बताएं, ये कौन है आपके जिनका एक्सीडेंट हुआ? ये मेरा भतीजा है। क्या हुआ इनके साथ? इनको शंभू मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करा सर। कहाँ पे? यहाँ बड़ी टंकी के पास में, बड़ला जा रहा था। शंभू कौन है ये? ये शंभू झील वाला है, गुजर। कितनी चोट आई? ज्यादा? बहुत चोट आई हुई है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अपने घर पे जा रहे थे। तो कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ? तो बीच में हो गया टंकी पर, हड्डी मिल के पास ही ना। पीछे मारा, पीछे से मारा था क्या? कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर गाड़ी थी क्या? क्या नाम साहब ने तो गिरता है, साहब ने भी हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? उसके बाद में साहब मंदसौर में किसान परिवार से मिलने पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुलिस ने रोक लिया और उनको गिरफ्तार किए जाने पर गुना जिला कांग्रेस में प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां अनेकों जगह शिवराज सिंह का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अब लोकतंत्र में बिल्कुल आस्था नहीं रह गई है। वो केवल तानाशाही के रुख पे उतर आए। आज जिस प्रकार मंदसौर के उन 6 पीड़ित परिवारों से मिलने जाने के लिए जब केंद्रीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और झाबुआ के सांसद कांतिलाल जी भूरिया और विधायक महीन सिंह जी कालू खेड़ा और हजारों कार्यकर्ता जब मंदसौर में जा रहे थे तो उन्हें ये कह दिया गया कि मंदसौर के अंदर अशांति है। जबकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह के अपनी 24 घंटे की नौटंकी खत्म करके उठे थे कि अब पूरे प्रदेश में शांति है। आज कल शांति, आज अशांति, और कल जब मुख्यमंत्री फिर मंदसौर जाएंगे तो फिर शांति। मतलब ये शांति और अशांति के बीच में जो नाटकबाजी और नौटंकी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, जनता में उसके प्रति भारी आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति न केवल गुना में बल्कि अनेक जगहों पर हो रही है। आज गुना में कम से कम 5 जगह जनता ने स्वप्रेरणा के साथ ही जिस प्रकार से पुतलों का दहन किया है उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ लेना चाहिए कि आम जनता उनकी कृत्यों से कितनी अधिक आक्रोशित है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश से माफ़ी मांगें और साथ ही 6 किसानों की जो उनके राज में हत्या हुई है उस हत्या को देखते हुए उन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। 6 तारीख को जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 किसानों पर जो गोली चलाई गई थी उनके परिजनों से मिलने के लिए हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी मंदसौर जा रहे थे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनको उनके परिजनों से मिलने से रोका। इसलिए हम समस्त कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार की घोर भर्त्सना करते हैं और उनको परिजनों से न मिलने देना, उनको खेतों में दौड़ियाँ लगवाना, उनको अरेस्ट करना ये मध्य प्रदेश सरकार का एक निकम्मापन है। मध्य प्रदेश पुलिस की ये बेहद बेबूदी कार्रवाई है। इसके विरोध में हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं।
आज जिस तरह से हमारे नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर में जाकर किसानों के परिवारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें जिस तरह से गावरा मंदसौर रोड पर पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका यह कथन था कि कल प्रभारी मंत्री चिटनिस भी वहाँ गई थी और पुलिस प्रशासन ने उनको जाने दिया और कल आने वाले कल को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहाँ किसानों से मिलने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे दूसरे सांसद गुरिया जी और तमाम नेता जो सांसद सिंधिया जी के साथ थे वो शांतिपूर्वक दो तीन चार लोगों की टुकड़ी के रूप में अपने किसान साथियों से मिलने, जिन किसान के परिवार के लोग मरे हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए जाना चाहते थे, शांतिपूर्वक जाने के लिए भी पुलिस बल ने उनको रोक लिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। जनसुनवाई में इस बार भी आवेदकों की भारी भीड़ रही, जहां अपनी समस्याओं के निराकरण की उम्मीद में सैकड़ों लोग आवेदन लेकर पहुंचे, जिन्हें कलेक्टर राजेश जैन ने निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। इस बार भी जनसुनवाई में जल संकट, जमीन, कुटीर और बिजली समस्या के ज्यादा मामले सामने आए। सोमवार को सरकार से मिले 60 ट्रक प्याज के बाद अब अगली खेप में 60 ट्रक और प्याज के भेजे गए, जिसे राशन दुकान के माध्यम से 2 रुपए किलो ग्राहकों को दिया जाएगा। बरखेड़ा गिर्द से दुहाई के हनुमान मंदिर पर भंडार में शामिल होने आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 50 से अधिक यात्रियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का गुल्ला कानून घाटी पर टूट जाने से ट्रॉली अलग जाकर पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। घटना बजरंगर थाने की है। घायल हुए हैं जिसे बच्चों की संख्या ज्यादा है। ट्रॉली ऐसा बता रहे हैं कि ट्रॉली का शायद कुछ जो भी लगाने का उसका जो नट बोल्ट होता है वो टूट गया था, तो बच्चे उसमें से पलट गए हैं, गिर गए हैं, जिसमें से शायद खबर मिली है कि 2 महिलाएं की डेथ भी हो गई है। मैडम, आज आपने हॉस्पिटल का जायजा लिया, यहाँ पे इतनी असुविधाएं यहाँ है उस पर? जैसे ही मुझे खबर मिली कि एक्सीडेंट हुआ है वैसे ही मैं तुरंत यहाँ आई, यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे ओपीडी में कोई भी डॉक्टर्स नहीं मिला मुझे, और जैसे ही मैंने पूछा तो लोग बोल रहे हैं कि वो राउंड पर हैं, ड्यूटी पर हैं, सुबह ड्यूटी है, शाम को ड्यूटी है, तो बहुत अनियमितताएं देखने को मिली और प्रशासन की यही कोशिश रहेगी कि इन अनियमितताओं को जल्दी दूर किया जाए। जिला अस्पताल में जली हुई अवस्था में लाई गई एक युवती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारने का आरोप लगाया। मेरे फोन आया था, मतलब 8-9 परिवार ने बोला था, आगे भी ये बताया था कि वो अस्पताल में वो सांप ने खा ली, फिर के बिच्छू ने खा ली, फिर बाद में बोले भाई तुम अस्पताल में जाओ, भाई अस्पताल में हमें दूसरे आगे पता लगा कि वो घर पे ही जला दी, घर पे ही जला दी। तुमसे क्या कही, सांप ने काट लिया? तुम्हारा नाम क्या? उनकी क्या दो पत्नी? क्या नाम है आपका? सेवक राव। कहाँ रहते हैं? तलकटोरी।
पता है क्या नाम है यहाँ के, क्या घटना हुई है ये बताएं पूरा मामला। मार ये भाई किसको? मेरी मोड़ी को बेटी। कौन ने? सब परिवार ने। कौन के परिवार ने? वो मेरी सासरे में जहाँ भी आई थी आपकी लड़की। कहाँ भी आई थी? बरखेरा। तो क्यों मारा? लड़ाते दूसरी पत्नी डाक ले। अच्छा क्या नाम बता? लड़की का नाम मोना। मोना भाई। मोना भाई शिवराज भी आई थी। तो क्या किया उनने फिर? कुछ ने मार दिया। फिर जला भी दे या पहुँचे सुबह जला भी दे। कितने बजे जला दिया? पहले 8 बजे जला दे। 8 बजे 7 बजे जला दिया। 8 बजे खबर लगी अब पहुँचे आए सबरे परिवार पूरी जनता है आइए। और सर बंदा तो मार को जला दे तो चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार हुए इन्वेस्टर धरने पर बैठ गए, जिसमें ऑर्गेनाइजर के सदस्यों ने ज्ञापन सौंप कर चिटफंड कंपनियों के संचालकों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन जो आप रखा आज का धरना प्रदर्शन पीएसीएल का पैसा ना मिलने के कारण किया गया है, जो कि पीएसीएल अगस्त 21 2014 में सेबी के माध्यम से बंद किया गया था और सेबी ने 3 महीने का पीएसीएल को कहा था कि 3 महीने में पीएसीएल वापस करें, लेकिन 3 महीने की जगह हमने 1 महीने का पीएसीएल 1 साल का पीएसीएल ने आवेदन किया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब पीएसीएल सेट में गई, सेट ने भी पीएसीएल के सेबी के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर हम सेट से सुप्रीम कोर्ट एआईएसओ सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आदेशित किया सेबी के लिए कि सेबी कमेटी बनाए और पीएसीएल की जमीन की बिक्री करके पैसा वापस करें, लेकिन अभी तक 2 फरवरी 2016 से लगभग 1.5 साल होने वाला है अभी तक सेबी लोड़ा कमेटी जो बनी है वो अभी तक पैसा नहीं दे पाई। प्रीतम सिंह केवट जिलाध्यक्ष एआईएसओ गुना। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।